किसान भाई और राम राम। आज की वीडियो का मेरा एक मकसद है छोटा सा, उसमें आपको बहुत ज्यादा सहयोग करना है। ठीक है, अब तक बेशक मैं आपको ये वीडियोस बना बना के आपको इस चीज के लिए प्रेरित कर रहा था कि आप ऐसा करें वैसा करें, लेकिन अब आपको भी एक फीडबैक देना जरूरी है। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2023 में जो धान की फसल है या गन्ने की फसल है, उसमें आपने जो भी साल्ट लगाए हैं, जैसे कि नीलत होता है, हरा कसिस है, इसके साथ में खाना सोडा है, सुहागा है और चूना है, चूना का भरपूर मात्रा में आपने यूज किया है, इन साल्टों के आपको क्या फायदे देखने को मिले हैं? यूरिया खाद आपने 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाला है, डीएपी आपने 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगाया है, तो ये डोज किस हद तक कारगर रही है? ठीक है, आपने अगर इसका प्रैक्टिकल नहीं किया है तो ये प्रैक्टिकल जरूर करें, क्योंकि अब नई फसल का समय आ गया है, आपको ये चीजें नोट करनी होंगी और बताना भी होगा कि इन साल्टों का फीडबैक अच्छा रहा है। ठीक है, जिससे कि अगले साल में हम इन चार्टों को अच्छे टाइप से और आपको अच्छा बनाकर, बेहतर बनाकर प्रेजेंट कर सकें, जिससे कि आपको इसके और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकें। 2023 में बहुत सारे किसान भाइयों के ये कमेंट थे कि हमारी खेती बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई है, तो क्या आप ये चाहते हैं कि 2024 में भी इसी टाइप से महंगी खेती हम करें? अपने साल्ट जितने महंगे हो गए हैं उनको कुछ तो हम सस्ता कर सकते हैं ना, तो जो फॉर्मुलेशंस अच्छे रहे हैं उन पर हम काम करें और उनमें से अगले साल के लिए जो अच्छे फॉर्मुलेशन है उन्हें आगे लेकर चलें। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक खास बात सीखिए कि यहाँ पर 1509 धान के अंदर 3 डोज आपको 1 महीने के अंदर लगानी ही होंगी। ठीक है, 3 डोज अगर आप 1 महीने के अंदर लगा देते हो 1509 धान में, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा, 15 दिन पर बकांदी और दीमक का एक स्प्रे बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हमें बिल्कुल फिक्स करना होगा। अगला पॉइंट है कि 30 दिन से लेकर 55 दिन तक के जो बीच का समय है, उसके अंदर हमें कैल्शियम जैसे प्रोडक्ट लगाने होंगे, वो एक साल्ट या एक डोज हमें लगानी ही होगी। एक पॉइंट आपने ये जरूर सीखा होगा कि हमें हैवी 3 फंगिसाइड 3 कीटनाशक अपने माइंड में रखने होंगे, जो कि समय पड़ने पर हम कोई भी अच्छा कीटनाशक बदल के लगा सकें। यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस बार एम्पलीगो बहुत बड़े स्तर पर किसान साथियों ने यूज करी और एम्पलीगो के रिजल्ट काफी हद तक कम देखने को मिले हैं खेतों में। ठीक है, तो हमें आगे ये इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि इस बार कौन सी दवा ने अच्छा काम नहीं किया है, किस दवा ने अच्छा काम किया है, जिसे हम आगे अगले साल के लिए अपने माइंड में रख सकें। ठीक है, 3 कीटनाशक 3 अच्छे फंगीसाइड, ठीक है, और 3 ऐसी घास खत्म करने वाली दवाएं और 3 ही ऐसी बूस्टर डोज जो कि आपको सबसे अच्छी लगती हो, वो बूस्टर डोज अपने माइंड में जरूर रखें। अगला एक पॉइंट और बता रहा हूं आपको, बहुत सारे किसान साथी अपने कमजोर खेतों में 17-18 धान है और 11-21 है, इस टाइप की जो ज्यादा बढ़ने वाली वैरायटी हैं, उन वैरायटियों को लगा देते हैं। आप इस टाइप से काम ना करें, अगर आपको लगता है कि ये कमजोर खेत है तो उसमें हल्की वैरायटी लगा के ही काम चलाएं। अगर आप कमजोर खेत के अंदर ज्यादा हैवी वैरायटी लगा देंगे तो उसके उत्पादन आपको ज्यादा अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे, और इस बार जिस टाइप से डिफीट खाया है बहुत सारे किसान भाइयों ने, उस टाइप से आगे भी खा सकते हो। तो इससे आपको ये बात जरूर सीखनी होगी कि हमने क्या गलतियां आप करी हैं, क्या गलतियां हमने आगे नहीं करनी है। अगर इस टाइप से आप सीखोगे तो जरूर 1 से 2 साल के अंदर या 1 से 2 फसल के अंदर आपकी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सुधरेंगी। और हाँ, एक बात और कि कीटनाशक को उसके प्रोडक्ट के नाम से न जान के उसके केमिकल के नाम से बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, जो भी फंगीसाइड है उसके प्रोडक्ट के नाम से ना याद रख के उसके केमिकल के नाम से याद रखिए। आप जानते हो कि कोराजन के अंदर क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 18.5% है, वायर ने भी कोराजन निकाल दी है। ठीक है, दूसरी कंपनियों ने भी 18.5% में कोराजन वाले साल्ट के साथ ही प्रोडक्ट निकाले हुए हैं, तो हम क्या क्यों दूसरे साल्ट यूज नहीं कर पाते थे, उनकी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आपको उस केमिकल के नाम से प्रोडक्ट को यूज करना होगा, जिससे कि दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट भी हम यूज कर सकें। अगर कोराजन हमें महंगा मिल रहा है या मिल नहीं पा रहा है तो हम उसे ब्लैक में परचेज ना करें, दूसरी कंपनी का वही साल्ट हम यूज कर सकें। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपनी नॉलेज को मजबूत करिए,
जो चीजें समझ नहीं आ रही हैं उन्हें आप पेपर पर जरूर लिखिए। 3 हैवी डोज अपने खेत के लिए, 3 हैवी फंगीसाइड, 3 हैवी कीटनाशक और 3 हैवी हर्बिसाइड, इनका आप विशेष कर ध्यान रखें। और स्प्रे के माध्यम से लगाई जाने वाले टॉनिक, ठीक है, आप मार्केट से लाने के बजाय अच्छे 2 से 3 टॉनिक तैयार करिए जो आपके पेटेंट टॉनिक हो, जिसे कि आप कभी भी यूज करके अपने खेत में रिजल्ट ले सकें। साथियों, मेरा कहने का मकसद यह है सिर्फ कि आप भी अपनी चीजों को लिखना सीखिए और उन चीजों को माइंड में रखना भी सीखिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज्यादा बेटर है और अगले साल हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, इस साल हमें कौन से प्रोडक्ट को छोड़ देना है जो कि हमें आगे लेकर नहीं जाना है, ठीक है, इससे जरूर सीखो। और अगली बात कि इस बार का जो धान है, ठीक है, धान में कार्बेंडाजिम 50% के साथ में ट्रीट करके सीड इस बार अच्छे पौधों को सेलेक्ट करके जो कि साफ सुथरे हों उनमें कार्बेंडाजिम 50% लगा के और उसी धान को घर पर रख लो, सेफ करके रख लेना, अगले साल वही काम देगा, ठीक है। बीज को नया लाने के बजाय उस बीज को अपने यहाँ पर ही रखना शुरू कर दो, इससे भी आपको काफी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।